सुनिए मसालों की कहानी कारवा 2.0 पर। कहते हैं अगर आप मीठा खाते हैं तो आपकी वाणी मिठास से भर जाती है, और अगर वाणी मिठास से भर जाए तो आप सबका दिल जीत लेते हैं। लेकिन अगर मीठा सेहत के लिए बेहतरीन हो तो ज्यादा अच्छा होता है। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनमोल काक, और आज मैं जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रही हूँ वो है सबसे ज्यादा टेस्टी और सबसे ज्यादा हेल्दी। जी हाँ, उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी फंगल जैसे पता नहीं कितने सारे गुण हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ हनी यानी शहद के बारे में, जिसे आयुर्वेद में कुदरत का नायाब तोहफा कहा गया है। और हो भी क्यों नहीं, ये टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स दोनों का भंडार है। इसीलिए तो आयुर्वेद में कई हजार सालों से मेडिसिन बनाने में शहद को यूज किया जाता है। अगर हम शहद की बात करें तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जिसे शहद पसंद ही नहीं होगा। एक तो उसका मीठा मीठा टेस्ट जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देता है, और साथ ही ये बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के मुकाबले ज्यादा हेल्दी भी होता है। मुझे आज भी याद है, बचपन में माँ या दादी की ट्राई की गई होम रेमेडीज, चाहे वो एलोवेरा हो या जिंजर, मेरा तो ना हमेशा से फेवरेट शहद ही रहा है, जिसे माँ अक्सर खांसी होने पर मुझे दिया करती थी। एक तो उसका मीठा मीठा स्वाद, और उसे लेने से ना खांसी ऐसे गायब होती थी जैसे मानो कभी खांसी थी ही नहीं। मैजिकल, आई टेल यू। यू नो, जो चीज इजिली हमारे लिए अवेलेबल होती है ना, हम अक्सर उसी की ओर ध्यान नहीं देते। अब शहद को ही ले लो, ये हमारे घर में इजीली पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स में से एक है, जिसका यूज हम अक्सर हमारी डेली लाइफ में किया करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए हो या फिर वेट लॉस करने के लिए हो। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग शहद का यूज वेट लॉस करने में जरूर करते होंगे। कहते हैं अगर रेगुलरली आप एक ग्लास गर्म पानी में शहद डालकर पिए तो आपका वजन जल्दी से जल्दी कम हो जाता है। शहद को शुद्ध भी माना जाता है, और इसीलिए भगवान को चढ़ाए जाने वाले पंचामृत का अहम हिस्सा माना जाता है। उसे देवताओं का अमृत भी कहा जाता है। तभी तो अगर हर किसी के घर में मंदिर होता है तो वहां पे छोटी सी शहद की डिब्बी आपको जरूर दिखाई देगी। हाँ, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि शहद का वेट लॉस के अलावा और भी कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी स्किन, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, और हमें कई बीमारियों से लड़ने में और बचाव में मदद करता है। ये शहद अननेचुरल इन्ग्रीडियंट में से एक है जिन्हें डायरेक्ट खाया जाता है बिना किसी प्रोसेसिंग के, ना इसे बनाने का झंझट, ना प्रिपरेशंस का, है ना कमाल की बात। वो कहते हैं ना, टू एंजॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ वन मस्ट ईट हेल्दी, एंड हनी इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ शहद के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के लिए एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल का भी काम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शहद हमारी बॉडी में पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। और अगर बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है तो इसका मतलब आप हैं सुपर हेल्दी। आपको ना एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मेरी पहली नौकरी लगी थी ना, तब मेरे शरीर में ना जान ही नहीं रहती थी, क्योंकि इतनी थक जाती थी। अब अगर शरीर में जान ही नहीं होगी, देन हाउ विल आई गिव बेस्ट इन एवरीथिंग। तो बस इसका इलाज भी मेरी मम्मा के पास था। उन्होंने कहा, हनी लेना शुरू कर बेटा, सब सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, यू नो हनी एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है। ये फटीग यानी थकान को कम करता है। शुद्ध शहद में एंजाइम, प्रोटीन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें पाया जाने वाला ग्लूकोज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के मुकाबले ज्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए तो हार्ड वर्कआउट के बाद एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए शहद का यूज किया जा सकता है, और ये सच्ची में मैजिकल है। हाँ, ऐसे तो हनी ना बहुत ज्यादा मीठा होता है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शहद हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स भी चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में शहद यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है। किसी भी प्रकार के घाव जैसे जलना, कटना आदि में शहद लगाने से दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाता है, घाव में पस नहीं पड़ता। साथ ही इसके एंटीसेप्टिक गुण के कारण स्किन जल्दी हील भी होने लग जाती है। विंटर्स में ना खांसी की समस्या बहुत आम है और मेडिसिन वगैरह लेना हर कोई पसंद नहीं करता। आई एम वन ऑफ देम। लेकिन अगर आप खांसी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि एकदम घरेलू नुस्खा मिले, बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, मेडिसिन खाने की जरूरत ही ना पड़े, तो मेरी माने शहद आपके लिए बहुत फायदेमंद है। खांसी के लिए शहद को बाकी सब दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि खराब गले को आराम देते हैं और इन्फेक्शन बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। यही नहीं, शहद हमारी बत्तीसी के लिए भी जरूरी है। ओरल यानी मुंह के हेल्थ के लिए भी हनी बहुत इफेक्टिव है। दांतों और मसूड़ों पर रोज शहद लगाने से दांतों की सफाई होगी, उस पर मैल नहीं जमेगा और चमक कभी नहीं जाएगी। मसूड़ों को मजबूती मिलेगी और दांत टूटने से बचेंगे। तो बस अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी से शहद लगाना शुरू कर दीजिए। चेहरे की खूबसूरती और बालों की चमक, हाय कितना ड्रीमी सा लगता है ना। ये ड्रीम भी आपका पूरा हो सकता है। जी बिल्कुल, शहद हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। फेस पैक में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है, दाग धब्बे भी नहीं दिखते, रिंकल्स या झुर्रियों से भी बचाव होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या डैंड्रफ हो गया है तो भी शहद को ही यूज करें, क्योंकि ये आपको छुटकारा देगा इन सारी प्रॉब्लम से और आपके बाल एकदम चमचमाते हुए नजर आएंगे। हाँ, शहद की ना जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इनके कारण जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं जैसे कि एक्जिमा, एथलीट फुट और इचिंग में आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है एंड यू फील गुड अबाउट इट। नींद ना आए, दिल घबराए तो टेंशन ना लीजिए, शहद अपनाए। अगर आप इंसोम्नियाक है या नींद ना आने की बीमारी से पीड़ित है तो भी शहद बहुत यूजफुल है। इन दिनों लोगों को हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, जिसके लिए वो लोग नींद की दवाई का उपयोग करने लग जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में शहद आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करती है, क्योंकि जब हम शहद खाते हैं हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, जो एक तरह का हार्मोन डेवलप करता है, जिससे हमें अच्छी सी नींद आ जाती है। तो अच्छे नींद का राज शहद है। हाँ, ओ नो, वेट बढ़ गया, घटाना मैं चाहती। अरे टेंशन नॉट, मैं हूं ना, मैं हूं बताती। वेट लॉस करने के लिए भी शहद आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप ओबीस है या मोटापा से परेशान है तो टेंशन नॉट, शहद आपके लिए फायदेमंद है। शहद में विटामिन, अमीनो एसिड और मिनरल्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं और बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमने ही नहीं देते, जिससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। आपको पता है हनी हमारे दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और अगर दिल हमारा एकदम फिट रहेगा तो सब कुछ एकदम अच्छा रहेगा ना यार। हाँ, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। ये हमारे आर्टरीज में फैट जमा ही नहीं होने देता, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसीलिए तो हार्ट पेशेंट्स के लिए शहद बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो जितने भी हमारे साथ हार्ट पेशेंट्स इस टाइम मौजूद है, उन सब लोगों के लिए हनी खाओ। हनी, हाँ, इट इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी की ना हीट और एनर्जी कम होने लगती है, इसीलिए खांसी, जुकाम, बलगम से इंसान अक्सर परेशान हो जाता है। अगर आप ओल्ड एज में हैं एंड एक से दो चम्मच स्पून शहद के रेगुलर लेते हो तो ये बलगम को ड्राई रखेगा और खांसी में आराम देगा। इसके साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आप एकदम जबरदस्त रहोगे। आंखों के इलाज के लिए भी शहद बहुत उपयोगी है। शहद चाटना या आंखों में डालना दोनों ही आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पर डॉक्टर के कंसल्ट के साथ। गाजर का जूस और हनी मिक्स करके लेने से आई साइट इंप्रूव होती है और वॉटरी आईज से भी छुटकारा मिलता है। रोज इसे आंखों में डालने से इचिंग भी कम होती है।
ड्राई आईज, इरिटेटिंग आईज, रेड आईज और ग्लोकोमा से परेशान लोगों के लिए शहद बहुत ही बढ़िया है। रेगुलर शहद खाने से आई कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से काफी हद तक बचाव हो सकता है। तो अपनी चमचमाती आंखों का खास ख्याल रखें। आजकल के बिजी स्केड्यूल में खुद का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो कीप योरसेल्फ एट नंबर वन प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। शहद मांसपेशियों यानी मसल्स की थकान को दूर करने में भी बहुत लाभकारी है। ये शहद में पाए जाने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से होता है, तो इसीलिए जब भी एनर्जी लो लगे फटाफट से शहद खा ले। इंग्रेडिएंट एक और फायदे अनेक, वाह क्या बात है। कल से ही अपनी रेगुलर डाइट में हनी शामिल करने वाली हूँ मैं, आप ही करना। हाँ, शहद के फायदे यही खत्म नहीं होते, ये हमारे याददाश्त और कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी मदद करता है। जी हाँ, शहद हमारी मेमोरी बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। कहते हैं हम वैसे बनते हैं जैसे हम खाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसा भोजन खाए जो हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखे। हनी खाने से मेटाबॉलिक स्ट्रेस से बचन होता है और दिमाग को शांत और रिलैक्स रखता है, तो इसीलिए खुद को चिल्ड आउट रखने के लिए शहद खाना शुरू कर दो। हाँ, इंग्रेडिएंट एक और फायदे अनेक, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो अब आप जान ही गए होंगे शहद गुणों का खजाना है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा पूरी तरह से उठाने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि शहद को कैसे, किस मात्रा में और किसके साथ लेना चाहिए। अगर उसे सही तरीके से लिया जाए तो वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। इसीलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि शहद को सही तरीके से कैसे लेना चाहिए। माइग्रेन के दर्द के लिए, आपके सर में जिस तरफ दर्द हो रहा हो उसकी दूसरी तरफ नाक में शहद की एक बूंद डालने से सर दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा रोज 2 चम्मच शहद खाने से भी माइग्रेन ठीक हो सकता है। एस्थमा के लिए 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच प्याज का रस रेगुलर लेने से एस्थमा अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। इस नुस्खे से खांसी और कफ के कारण हो रही सांस लेने की दिक्कत में भी आराम मिलता है। थकान को दूर करना है तो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद डालकर पीजिए और फिर देखिए आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। थकान तो आसपास नजर ही नहीं आएगी। हाँ, मोटापा कम करने के लिए रोज अगर आप सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीते हैं तो आप देखिएगा कैसे मोटापा घटते हुए नजर आएगा। हाँ, अगर बार बार प्यास लग रही है और मुंह ड्राई लग रहा है तो टेंशन नॉट, 1 चम्मच शहद 10 मिनट तक मुंह में भरकर रखे, फिर थूक दे और कुल्ला कर ले, इससे मुंह का सूखापन दूर हो जाएगा। सर्दी, खांसी और हल्के बुखार के लिए 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी पीसी हुई पप्पल मिलाकर सुबह शाम ले लें, फिर देखिएगा बुखार में कैसे आराम मिलता है। अगर हिचकी बंद होने का नाम नहीं ले रही, डोंट वरी एट ऑल, 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच प्याज का रस मिलाकर चाटने से आपकी हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। घाव होने पर उस पर 4 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर लगा ले, इससे दर्द में आराम मिलेगा और घाव भी जल्दी भर जाएगा। खांसी होने पर 1 चम्मच शहद में 1/2 चम्मच अदरक का रस मिलाकर चाट ले, खांसी में देखना कैसे आराम मिलेगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 12 चम्मच शहद मिलाकर पी ले, इससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाएगी। अगर सर पर या आईब्रो पर बाल कम हो रहे हो तो इफेक्टेड एरिया पर शहद और प्याज का रस बराबर मात्रा में लेकर लगाने से बाल घने हो जाएंगे और टूटना भी कम हो जाएंगे। किसी कारण से अगर गला बैठ गया हो तो गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर गरारे करने से ठीक हो जाता है। अगर पेट में कीड़े हो गए हो तो 2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिलाकर ले ले, इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। स्किन पर रिंकल्स होने पर 1 चम्मच शहद में 1/4 नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगा ले, फिर 1/2 घंटे बाद धो ले। रेगुलर यूज करने से रिंकल्स और झुर्रियां ठीक हो जाती हैं। हर चीज का एक फायदा और एक नुकसान होता है, तो अभी तक मैंने आपको फायदे बताए, इसके नुकसान जानना भी आप ही के लिए फायदेमंद है। तो चलो अब मैं आपको शहद के कुछ नुकसान भी बताती हूँ। आयुर्वेद में शहद को लिक्विड गोल्ड कहा गया है।
अगर आप इसका सेवन सही तरीके से करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो ये शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे अधिक मात्रा में खाने से डायरिया हो सकता है। साथ ही इसमें शक्कर से भी ज्यादा कैलोरीज होती है, इसीलिए तो अगर इसे अधिक खाया जाए तो ये वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। हमें वजन घटाना है, बढ़ाना नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ले, लेकिन ले जरूर। एक बात का तो खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, शहद को कभी भी बहुत ज्यादा गर्म दूध या पानी में ना ले, वरना इसमें मौजूद एंजाइम्स और विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाएंगे। जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखना चाहते हो तो बीमारी के स्पीड ब्रेकर से बचना पड़ेगा, और अगर इस स्पीड ब्रेकर से बचना चाहते हो तो सेहत का खास ख्याल रखना होगा। सो इसीलिए आई होप अब शहद के फायदे जानने के बाद आप लोग इसे अपनी रेगुलर डाइट में जरूर शामिल करेंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मिलती हूँ अगली बारी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि अगर सेहत रहेगी तंदुरुस्त तो आप रहेंगे मस्त।